गवर्नमेंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा जैन ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, 60 फीट का किंग कोबरा पकड़ा जंगल में छोड़ा, कुएं में फंसे श्रमिकों के शव को बाहर निकालने में मिली सफलता, बिजली आपूर्ति कल रहेगी बाधित, सांसद डांगी के भाई के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की, डॉक्टर अब्दुल कलाम जयंती विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाई, मीरा हुई विधानसभा अध्यक्ष पद पर नियुक्त, मात्र सम्मेलन में परिजनों को सोलर लाइटों का किया वितरण, भीम आर्मी की बैठक में हुआ आयोजन, महिला चिकित्सा लगाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन, एक दिवसीय गैर आवासीय अमुखीकरण किया आयोजन, एबीवीपी ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन, महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही घटनाओं पर की मांग। अब समाचार विस्तार से। 60 फीट का किंग कोबरा पकड़ा जंगल में छोड़ा। लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार स्नेक कैचर ग्रुप के सदस्यों द्वारा राजू आइस बर्फ फैक्ट्री में आए किंग कोबरा को पकड़ कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। स्नेक कैचर ग्रुप के अरविंद लोहार ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में बड़ी सब्जी स्थित राजू बर्फ फैक्ट्री के बाहर पड़े मलबे में कोबरा सांप आने की सूचना मिली। मलबा हटाने के बाद जब उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो वह तेज रफ्तार के साथ रेंगने लगा, लेकिन स्नेक कैचर अरविंद लोहार द्वारा किंग कोबरा सांप पकड़ लिया गया। स्नेक कैचर अरविंद लोहार द्वारा किंग कोबरा को पकड़ कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। कुएं में फंसे श्रमिक के शव को बाहर निकालने में मिली सफलता। हेमंत अग्रवाल की रिपोर्ट के अनुसार शिवगंज के पंचदेवल में आज प्रातः 9 बजे SGRF की टीम ने शव को बाहर निकाला। वह पालड़ी एम सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां से PM कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। वहीं लगातार विधायक संयम लोढ़ा 3 दिन तक प्रशासन के साथ मौके पर डटे रहे। सफलता मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों का धन्यवाद किया गया। वहीं मुना राम भील के परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि मुना राम के प्राण तो नहीं बचा पाए। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई बार मौके पर पहुंचकर इनके साथ ही वहीं पे पल पल की जानकारी लेते रहे और ऑपरेशन की ज़्यादा गति देने के लिए समय समय पर सुझाव देते रहे। कुएं में 70 फीट तक पानी भरा हुआ था। पानी के लगातार आवक के बावजूद इस ऑपरेशन को 45 घंटे में पूरा करके श्रमिक के शव को बाहर निकाला। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सभी लोगों के सहयोग से करीब 48 घंटे बाद मुन्ना भाई का ये शव हम निकाल सके। मैं सबका दिल से धन्यवाद देता हूँ कि सबने मानवता की भावना से उत्प्रोत होकर के इस तकलीफ की घड़ी में सहयोग प्रदान किया और पीड़ित परिवार को उनके परिवार के सदस्य का के अंतिम दर्शन का मौका मिला। आपूर्ति कल रहेगी बाधित। लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता जय कुमार वैरवा ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को 11 केवी की फीडर गांधीनगर का दीपावली रखरखाव है तो सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा, शटडाउन रहेगा। कनिष्ठ अभियंता वैरवा ने बताया कि शटडाउन के तहत शहर में गांधीनगर, शिवाजीनगर कॉलोनी, गणेश कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, डीजल शेड रोड, गुरुद्वार के पास आदि क्षेत्रों में अब बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। सांसद डांगी के भाई के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार राज्यसभा सांसद नीरज डांगी के बड़े भाई हरीश डांगी के आकस्मिक निधन की खबर आते ही ये आज स्थानीय कांग्रेस जनों के शोक की लहर छा गई। इस अवसर पर कांग्रेस जन प्रतिनिधियों एवं नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बैठक में दिवंगत हरीश डांगी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित कर डांगी के परिजनों को सबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस अवसर पर छात्र संघ उपाध्यक्ष राहुल बरोटा, निकेतन बरोटा, युवा कांग्रेस के निखिल जोशी, पार्षद नवीन सांखला, गोपाल शर्मा, सुलोचना परमार सहित दर्जनों कांग्रेस जन उपस्थित थे।
डॉक्टर अब्दुल कलाम जयंती विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाई। लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार रॉयल राजस्थान पब्लिक स्कूल आबू रोड में अब्दुल कलाम की जयंती विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के पूर्व राष्ट्रपति की और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। विद्यालय के चेयरमैन दीपक पाठक ने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का विज्ञान व तकनीक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान है तथा विश्व छात्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को इस दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, लेकिन शिक्षा के द्वारा हम हर बाधाओं को पार करते हुए बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मीरा हुई विधानसभा अध्यक्ष पद पर नियुक्त। राकेश रावल की रिपोर्ट के अनुसार राहुल प्रियंका गांधी सेना जिला अध्यक्ष हेमलता सिंह तनवर की अध्यक्षता में आबू पिंडवाड़ा से मीरा कुमारी को विधानसभा अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इस दौरान जिला महासचिव अलका मारू, जिला संगठन मंत्री पूजा डांगी, जिला महामंत्री नीतू पर्वत व नैना देवी अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे थे। वहीं आसपास गाँव के लोगों ने माला पहनाकर व फटाके फोड़कर खुशियां व्यक्त की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। सम्मेलन में परिजनों को सोलर लाइटों का किया वितरण। लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक गांधीनगर आबू रोड में मातृ शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत प्रधानाचार्य ईश्वरलाल प्रजापत द्वारा अतिथियों का स्वागत परिचय करवाया गया। गरीब बस्ती में संचालित केंद्रों में विद्यार्थियों के परिवार को निःशुल्क सोलर लाइट वितरित की गई और एवं आशा गुजर विद्या मंदिर के लिए निःशुल्क कक्ष उपलब्ध कराने हेतु सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रबंध समिति की व्यवस्थापिका वर्षा खोटा, प्रचार प्रमुख ईश्वर दादलानी, सेवा प्रमुख संगीता अग्रवाल व विद्या मंदिर के समस्त आचार्य उपस्थित थे। भीम आर्मी की बैठक में हुआ आयोजन। ध्यानचंद दादलिया की रिपोर्ट के अनुसार भीम आर्मी राजस्थान प्रदेश सचिव एवं प्रभारी जालोर, सिरोही, पाली, मोतीलाल हीरागढ़ की अध्यक्षता में वीना राम की धुनी पलड़ी की और सिरोही में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजस्थान भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव सत्यवान सिंह महेरा रहे। सत्यवान सिंह महेरा ने बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और महेरा ने सिरोही भीम आर्मी का कार्यभार देखा। महेरा को सिरोही की भीम आर्मी के सिरोही प्रदेश सिरोही की प्रसिद्ध तलवार भेंट की। इस मौके पर प्रदेश मीडिया प्रभारी इंद्र राठौर, जिला उपाध्यक्ष प्रमोद मेघवाल, जिला महामंत्री उमेश राठौर, जिला सचिव, जिला कोषाध्यक्ष नरेश चौहान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिला चिकित्सक लगाने की मांग सौंपा ज्ञापन। वाक्सिंग गोयल की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सा की नियुक्तियों को लेकर जिला कलेक्टर सिरोही के नाम जिला कलेक्टर कार्यालय जाकर समाज सेवी मुकेश मेघवाल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि विगत कई वर्षों से बेहतर के राजकीय चिकित्सालय में महिला चिकित्सा होने से आम जन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत सी गर्भवती महिलाएं को महिला चिकित्सा नहीं होने
पर अन्यत्र जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे बहुत सी गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिए गुजरात जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे गरीब और कर्ज में डूबता जा रहा है। ज्ञापन के दौरान रमेश कुमार, राकेश कुमार, भीमा राम, सपना देवी, ममता गोपाल, दशरथ सहित कई लोग मौजूद थे। एक दिवसीय गैर आवासीय अमुखीकरण किया आयोजन। मार्ग सिंह गोयल की रिपोर्ट के अनुसार सम्भवर्ती मानपुरा गाँव में फाउंडेशन टू एजुकेटेड गर्ल्स ग्लोबली द्वारा मददगार समूह के का एक दिवसीय गैर आवासीय अमुखीकरण किया गया। एजुकेटेड गर्ल्स से ब्लॉक ऑफिसर दिनेश कुमार द्वारा बताया गया कि शिक्षा जीवन के लिए जरूरी है। समाज में आधारित लिंग भेद पर चर्चा हुई। बालिका शिक्षा की स्थिति कमजोर है, इसीलिए हम सबको साथ मिलकर के किशोरी शिक्षा को बढ़ावा देना है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से फॉर्म भरकर किशोरियों को पढ़ाया जा सकता है। किशोरावस्था में शारीरिक व मानसिक बदलाव होते हैं, जिनको समझना अभिभावकों के लिए जरूरी है, तथा स्वास्थ्य के प्रति जानकारी दी गई कि वहां पर अध्यापक गया प्रसाद एवं किशोरी कोच कृष्णलाल एवं मददगार समूह के सदस्य उपस्थित रहे। एबीवीपी ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। बाग सिंह गोयल की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रेवदर इकाई द्वारा राजस्थान में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे बलात्कार और अपराधों के मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उपखंड अधिकारी रेवदर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। एबीवीपी द्वारा ज्ञापन में प्रदेश में गत वर्ष कुछ समय से विभिन्न स्थानों पर हुई दुष्कर्म तथा आपराधिक घटनाओं का विवरण बताते हुए प्रशासन व सरकार पर शिकंजा कसा, साथ ही बताया कि सरकार अपराध को बढ़ावा दे रही है, आम व्यक्ति, बुजुर्ग, महिलाएं और सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, बढ़ते अपराधों के भय ने भय का एक माहौल तैयार कर दिया। इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा मुख्यमंत्री अपना दायित्व ठीक तरीके से निर्वाह न कर पाने के को लेकर इस्तीफा दिया जाएगा। इस मौके पर सह नगर मंत्री सत्यम वैष्णव, महाविद्यालय प्रमुख प्रवीण मेवाड़ा, इकाई अध्यक्ष शांतिलाल प्रजापत, अनिल पांचाल, महेंद्र कोली, आनंद वैष्णव समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही घटनाओं की मांग की। लई कामत की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आबू रोड इकाई द्वारा राजस्थान में महिलाओं को एवं नारी शक्ति पर बढ़ रहे दुष्कर्म को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता द्वारा बताया गया कि हमारे प्रशासन और समाज में इन्हीं कमजोरियों की वजह से ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले अपराधियों को जल्द से जल्द संक्षिप्त अवधि में अदालत में इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे दूसरे अपराधी की रूह तक कांप उठे, ताकि वह अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। ज्ञापन देने में नगर सहमंत्री लव खत्री, विक्रम लोढ़ा, सोशल मीडिया प्रभारी नितेश सैनी, सागर लोढ़ा आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।